सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आ सके। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। ना रख उम्मीद ए वफा किसी परिंदे से, जब पर निकल जाते हैं तो अपने भी आसियाना भूल जाते हैं। आज का पंचांग 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 1:05 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठ नामक नक्षत्र रात्रि 11:34 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:07 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रात्रि 11:34 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की शुभकामनाएं। कुंभ राशि 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार। आप अभी अपने पति या पार्टनर से दूरी महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो रोमांटिक आउटिंग पर जाएं या साथी के साथ अकेले रहें। कार्य तनाव या भ्रम का स्रोत हो सकता है। ऐसी योजनाएं बनाएं जो आपके लिए सहायक हो। मनोरंजन या रचनात्मक गतिविधियों के लिए भी समय निकालें। अब आपको असाधारण अवसरों की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने जीवन में बढ़िया मार्ग चुना है जो आपको सराहना और अलग पहचान दिलाएगा। सही और सकारात्मक लोगों से बातचीत से सहायता मिल सकती है। कमजोर व्यक्ति मौके का इंतजार करते हैं किंतु बलवान व्यक्ति अपने मौके खुद बनाते हैं। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सके। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दुख ना हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। बाहर का और खुला खाना खाते वक्त खास तौर पर बचाव पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि बिना वजह तनाव ना लें क्योंकि यह आपको मानसिक कष्ट दे सकता है। आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचें जो आज आपके सामने आई है। कोई ऐसा रिश्तेदार जो बहुत दूर रहता है आज आपसे संपर्क कर सकता है। मुमकिन है कि आपके आंसुओं को पोंछने के लिए कोई खास दोस्त आगे आए। आप महसूस करेंगे कि आपकी रचनात्मकता कहीं खो गई है और फैसले करने में आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पैसा प्यार और परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में हैं। किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो यह दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है। सुखद ग्रह स्थिति बनी हुई है। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित रूपरेखा बना लें। युवाओं को कोई मन मुताबिक कार्य बनने से सुकून मिलेगा। बेहतरीन संपर्क भी बनेंगे। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आने की भी संभावना है। परिस्थिति में धीरे धीरे बदलाव आएगा। अचानक से किसी बड़े निर्णय को अमल में लाने की गलती ना करें। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती हैं वह आपको मिलेगा। पुरानी नकारात्मक बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। काम में नयापन लाने की कोशिश करनी होगी। सरकारी काम से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। पार्टनर के स्वभाव में आ रहे बदलाव को नकारात्मक तरीके से ना लें। एसिडिटी को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है। सावधानियां। घर के वरिष्ठ लोगों का आदर मान बढ़ाए रखें। व्यवस्थित रहने के लिए आलस और तनाव जैसी आदतों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इस वजह से आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। तनाव लेने के बजाय शांति से समाधान ढूंढें। बात करते हैं लव लाइफ की। दोस्तों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से मन प्रफुल्लित और सुकून भरा रहेगा। लव पार्टनर के साथ डेटिंग का अवसर भी बनेगा।
प्यार के खेल में प्यार का टूटना सबसे बड़ी चिंता का विषय है। रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता आपकी सबसे बड़ी खूबी है। इनका प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकते हैं। प्यार के गुलशन में बाहर चाहिए तो इसमें रोमांस का तड़का लगाएं। अपने साथी पर पूरा भरोसा रखें। आज आप पार्टी के मूड में हैं। प्यार के रिश्ते में समझौता करना और दूसरे के पसंद के अनुसार अपने आप को ढालना प्यार का सबूत है। इससे आपके पार्टनर को भी खुशी मिलेगी। आपका रोमांटिक जीवन अति उत्तम है और आज कुछ अंतरंग क्षण मिल सकते हैं। अगर साथी की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश अब खत्म होगी। आपके पार्टनर के साथ छोटी मोटी कहा सुनी हो सकती है, हालांकि ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन विवाद में पड़ने या चिढ़ने वाले जवाब देने से बचें। आज छोटे मुद्दे भी बेवजह बड़े बन सकते हैं। टकराव की स्थिति न आने दें। आपको अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने और उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताने की जरूरत है। आज रोमांटिक ट्रिप पर जाने की बजाय पारिवारिक पिकनिक पर जाना बेहतर रहेगा। बात करते हैं करियर की। आज इस बात के जबरदस्त संकेत हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं। यह आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी दिशा का बदलाव हो सकता है। अभी तक आप जिस चीज को शौकिया तौर पर लेते थे, वही चीज आपके लिए धन उपार्जन का रास्ता बन सकती है। यहाँ तक कि आप अपनी नौकरी भी इस काम के लिए छोड़ सकती हैं। हालांकि ये एक बहुत ही जोखिम काम लगे, पर इसके परिणाम आगे जाकर काफी उत्साहित करने वाले हैं। इस चीज में समय लग सकता है, पर धन की दृष्टि से ये काफी उत्साहजनक है। आप बहुत ही भावुक और आज बहुत ही भावुक हैं, और अचानक किसी रिश्ते के टूटने से उदास होना स्वाभाविक है। पेशेवर कठिनाइयां या संघर्ष आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आप मेहनत करने से नहीं डरते तो सब्र रखें, क्योंकि अच्छे परिणाम आपका इंतजार कर रहे हैं। करियर और यश के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। आज आपको किसी विशेष अवसर की जरूरत नहीं है। अपनी समस्याओं को हल करें। आपका जीवन इस समय बढ़िया है क्योंकि आपकी हर इच्छा पूरी होती दिखेगी और आपको पहचान भी मिलेगी। इस समय अपने दिमाग की सुने और सही लोगों से बातचीत से भी आपकी मदद मिलेगी कार्यस्थल पर स्टाफ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। अभी कुछ मंदी की स्थिति रह सकती है, परंतु धैर्य और संयम से यह मुश्किल समय भी निकल जाएगा। व्यवसाय में अत्यधिक निवेश न करें। नौकरी पेशे लोग उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। बात करती हैं सेहत की। आज के दिन अपने स्वास्थ्य में सुधार और अपनी मेहनत के लिए कोई दृढ़ संकल्प वाला कदम उठाने में बिताएं। आज आप काफी सख्त शारीरिक एक्सरसाइज वाली क्लास ज्वाइन कर सकती हैं या कोई डाइट शुरू कर सकती हैं, लेकिन यह भी तय है कि आप चाहे जो सोचें उस पर आसानी से चल पाएंगी। आप मानसिक सेहत के लिए भी सांस की एक्सरसाइज तथा योग आदि कर सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आज कम होगी और आप इससे काफी हद तक आराम महसूस करेंगे। आज का उपाय। आज आप पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं। शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।